आए हम लोग एक गवाही को सुनते हैं। इनकी बेटी के 4 महीने से सिर में गांठ थी और जब इन्होंने संडे को आकर मुझसे प्रार्थना करवाई तो प्रभु यीशु मसीह जी ने उसे चंगा किया। तो क्या हुआ था? इसके सर में गांठ थी और वो बढ़ती जा रही थी। सिर में गांठ थी, हाँ, बढ़ती जा रही थी। हाँ, सिर में गांठ। किसकी? इस लड़की। अच्छा, इस लड़की की। हाँ, तो फिर मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को दिखाई, वो कहते कि ये दवाई लेके जाए, ये नीचे दब जाएगा। तो मैं लेके आई तो मैंने कहा ये संडे, कल तो संडे है, एक दिन पहले दवाई ली। मैंने कहा संडे जा रही हूँ चर्च में, प्रार्थना करवाऊँगी फिर दवाई खिलाऊँगी। फिर मैंने प्रार्थना करवा के यहाँ से ले गई, सुबह तक देखी तो गांठ है ही नहीं, खत्म। तो आप शनिवार के दिन दवाई लेने गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भी दवाई खिला दो और ये नीचे दब जाएगी। और फिर आपने कहा भी कल तो संडे है, संडे को चर्च में जाना है और वहाँ प्रार्थना करवा लूँगी मैं, उसके बाद दवाई के बारे में सोचेंगे। और फिर जैसे यहाँ से आपने प्रार्थना करवाई और फिर, और जब देखा आपने तो इसके सिर में वो गांठ नहीं थी, कहाँ पर थी गांठ? अच्छा, यहाँ पर थी, अब दिख रही। अच्छा, इतना ऊपर था तो यहाँ पर इसके गांठ थी, अब वो दिख नहीं रही, ढूंढ रहे बेचारी वो, और वो दिख नहीं रही, पर यीशु मसीह जी ने चंगा किया। और इसकी जो दूसरी बेटी है उसको निमोनिया हो रहा था, बार बार निमोनिया हो रहा था, जन्म से ही ऐसा निमोनिया होता आ रहा है, है ना, 6 साल से 6 साल तक आता है, हमेशा आता था। बहुत परेशान थी मैं, डॉक्टर के पास जाती थी तो इसको टीके लगते थे, भाप लगते थे, ये बहुत परेशान होती थी। टीके लगते थे, भाप लगते थे? इस लड़की को। तो इसको निमोनिया था, इसको निमोनिया था। जुबिन अस्पताल है ना, जो वो 10,000 रुपया लिया था इसको ठीक करने का, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने 10,000 रुपया लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ इसका निमोनिया, ठीक नहीं हुआ। फिर इसको मैंने ऐसे ही फिर चलती गई, दवाई खिलाती गई। जब मैं चर्च में आने लगी, मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं आने लगी। फिर इसको शनिवार को फिर इसको निमोनिया हो गया तो मैंने प्रार्थना करवाई, फ़ोन करी रात को, परेशान हो गई थी, सांस आँख ऊपर कर दी थी, सांस नीचे ऊपर ले थी बहुत जोर जोर से। मैंने प्रार्थना करवाई और प्रार्थना का तेल रखी थी, वही प्रार्थना करके तेल लगाई गले में और सीने पे, छाती पे, आराम से सो गई, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, दवाई नहीं लेना पड़ा। तो इसको फिर दोबारा फिर निमोनिया हो गया था और आपने प्रेयर टावर से, चमत्कार चर्च के प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई इन्होंने, और दोबारा डॉक्टर के पास गए नहीं, पर यीशु मसीह जी ने इसे चंगा किया। पर यीशु मसीह का धन्यवाद कर